جی د پیګم نسیم ولی خان تدفین دی وخت روان دی تاسو کتی شئ خان دا دی وخت ته تفین روان دی بالکل عقیدا ولی خان قبر سره بالکل خوا په خوا قبلې طرف ته دا غوی قبر کنيستل شوی دی او فرید طوفان صاحب دی وخت قبر سره بالکل نږدې ولاړ دی سنگین ولی خان خبر چې دینو هغه تاسو کتی شئ او بالکل د سنگین ولی خان قبر سره خوا په خوا د بیګم نسیم ولی خان قبر چې دینو هغه کنيستل شوی دی دی وخت د هغې تدفین روان دی خان ہوتی او جناب غلام احمد بلور صاحب دی وخت کې بالکل قبر سره خوا په خوا باندې ناشتی او
هغه چې کوم رسومات دي هغه ادا کوي. मेरे हवाले से तो मेरी जो स्टूडेंट के लीडर था तो वो मेरी एडवाइज़र थी, उसी की यानी जो हमें तजावीज़ दिया करती थी उसकी रोशनी में चलाया करते थे। फिर मैं पार्लियामेंट का मेंबर बना तो बेगम नसीम अली खान पार्लिमानी लीडर थी, तो मैं उस वक्त उनके पास पार्लिमानी सेक्रेटरी था। फिर जब वो सूबाई सदर बनी तो मैं सेक्रेटरी इतलात भी रहा, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, ऑफिस सेक्रेटरी भी रहा, यानी मैं बेगम नसीम अली खान के साथ बहुत करीब रहा इस दौरान। और आप यकीन करें कि जब एक वक्त आया था हमारी पार्टी पे खड़ा वक्त था कि खान अब्दुलवली खान समेत हमारे तमाम यानी अकाबरीन खुदाई खिदमतगार जाने पहचाने फर्स्ट और सेकंड रो की लीडरशिप वो सब के सब हैदराबाद जेल में चली गई और जायदादें जब्त हो गई और उनको काफ़ी सजाएं मिली, तो एक खलासी पैदा हो गई और हर के सोच रहा था कि शायद खुदाई खिदमतगार तहरीक जो है वो इतनी मुश्किल मरहले से गुजर रहे कि शायद दोबारा उबर ना सके। लेकिन बेगम नसीम अली खान की वो शख्सियत थी कि वो खला को पुर कर गई, वो मैदान में आई, उसने मार्शल लॉ को ललकारा, जमहूरियत की खातिर मैदान में निकली, एक तहरीक चली, कौमी इतिहाद तहरीक चली, उसके नतीजे में हमारी जो हैदराबाद ट्रिब्यूनल थी वो टूट गई और उसके साथ ही हमारी पार्टी बहाल कर दी गई। और फिर उसके साथ इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में बेगम नसीम अली खान ने खुद हिस्सा लिया,
तो दो कौमी असम्बली के सीट जो थी वो जीत गई, लेकिन तहरीक जारी थी तो उन्होंने वो कौमी असम्बली की सीटें कौमी असम्बली में नहीं गई, और उसके बाद चार दफ़ा मुसलसल इलेक्शन हुए तो वो सूबाई असम्बली की मुंतखब मेंबर रही। पख्तून पॉलिटिक्स में बराह रास्त इलेक्शन लड़ना शायद ये पाकिस्तान और पख्तून की हिस्ट्री में पहली दफ़ा थी जो बेगम नसीम अली खान ने इलेक्शन लड़ा और उनको यानी खुदा ने इज्जत दी और कामयाबी दी, और उसने फिर पार्लिमानी रोल भी जिस तरीके से अदा किया, बंदा मर जाता है किरदार जिंदा रह जाता है, और इतने कठिन मरहले में उसने ऐसा किरदार अदा किया है कि जो खला पैदा हो गई थी उसको पुर किया और पार्टी दोबारा से फहाल हो गई। आज वो पार्टी असफंदियार वली खान की क्यादत में अपने मराहल तय कर रही है, और इंशाल्लाह जमहूरियत की खातिर, कौम की बालादस्ती की खातिर, मजलूम कौमियतों के हकूक की खातिर, प्रोविंशियल अटानमी के लिए ये तहरीक जारी रहेगी, और उस वक्त तक जब तक हमें अपनी यानी इस यानी जो हमारा मकसद उसमें कामयाबी नहीं मिल जाती। लेकिन तहरीक में जो किरदार बेगम नसीम अली खान का रहा है वो हमेशा याद रहेगा, और बेगम नसीम अली खान की एक खूबी जो कि मैं आपको बयान करूं कि कठिन मरहले में, मुश्किल मरहले में जब फैसला करना बड़ा मुश्किल होता था तो बेगम नसीम अली खान फैसला करती, और ऐसा करती जो चट्टान की तरह करती, और जब फैसला कर जाती तो उस पर वो साबित कदम रहती। तो मैं इस वक्त चूँकि आप जिस जहाँ खड़े हैं उसकी जस्त खाकी है, वो अब हम यानी उस पर मिट्टी लहद में रखा है, मिट्टी डाली जा रही है, दिल खून के आंसू रो रहा है। एक तरीका है, उलमा कराम भी नहीं रहे, असहाबा भी नहीं रहे, अंबिया कराम भी नहीं रहे, एक दिन आके आना है तो फिर जाना भी है। ऐसे अजीम लोग अपने किरदार के वजह से जिंदा रहते हैं। इंशाल्लाह जब तक बादशाह खान की तहरीक रहेगी, बेगम नसीम अली खान की शख्सियत जिंदा रहेगी इंशाल्लाह। Thank you.